अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें घर जाना है, गाड़ी वाड़ी का हमने पैकिंग वैकिंग कर लिया है। तो ये देखिए आप लोग, ये पूरा गाड़ी हमने पैक कर दिया है। और ये देखिए गाड़ी पैक हुई, अभी हम निकलने वाले यहाँ से गाड़ी लेके, मैं और रियाज, और कल सुबह ही छोड़ेंगे जोजिला से। तो रास्ते में अगर ट्रैफिक मिला तो हम थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते निकलेंगे, इसी के चलते हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। रियाज तैयार हो गया है जाने के लिए। यार ना, घर ठंडे ठंडे पानी से अभी फ्रेश वाटर आया था। बाकी इम्तियाज को लाइक कमेंट शेयर करना, बाकी बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाता है। तो ये अभी बिल्कुल गीला ही गीला बड़ा हुआ है, तो ये तो सूख गया है, इसमें थोड़ा मिट्टी चले गया है, ये सूख गया है, तो ये थोड़ा गीला रह गया। इस पता नहीं इसका क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी हम निकल चुके हैं घर से, मम्मी पापा को सलाम कह के निकल चुके हैं। यहाँ से मेरा दोस्त जुल्फी आने वाला है चलते सफर पे, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। गाइस अभी हम उधमपुर पार कर चुके हैं, तो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ध्यान गाड़ी पे देना पड़ता है। तो आपको मिलते हैं आगे, ब्रेक लेते हैं, हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब आपसे बात करेंगे। रामथल पहुँच गए तो भैया घर के लिए, तो 10 मिनट के ब्रेक लिए, इसके बाद चलते हैं। ये देखिए रामथल, जमजम स्वीट शॉप से लाया था। चिनानी टनल पे प्रवेश कर रहे हैं, देखिए आप लोग, और ये एंटर, अंदर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। इधर ही बाढ़ आया था कल, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक है, एक घंटे से हम इधर फंसे हुए हैं। तो अभी हम बनिहाल पहुँचे हैं, बनिहाल, तो यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक है, इतना आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है, बिल्कुल चलते 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 जा रहे हैं। तो आगे से जब बनिहाल का जो टनल पार होगा तो वहाँ से ट्रैफिक नहीं होगा, वहाँ से तो एकदम खुला रास्ता है, तो एकदम 180 की स्पीड में जाएंगे हम। तो यहाँ पे ट्रैफिक है, बहुत बड़ा ट्रैफिक है, लंबा ट्रैफिक एकदम। इस साइड से तो रास्ता है लेकिन ये वन वे नहीं है, तो उस साइड से गाड़ियाँ आ रहा है, तो इसी की वजह से हमें ट्रैफिक फेस करना पड़ रहा है। शाम तो हो गई है, अजान भी हो रहा है, प्लांट सारे ठीक है, मुरझाए अभी तक नहीं है, अभी तो इनको आके 5 घंटे ही हुआ है घर से निकल के। यहाँ से भी बहुत अच्छा ये रहा, मैं आगे आ गया था, अभी तो वो आए नहीं वापस, अभी यहाँ पे गाड़ी पीछे ये आ गया। सो फाइनली हमारा ट्रैफिक खुल चुका है, तो हम अभी बनिहाल टनल के पास ही पहुंच गए हैं। बस ये अभी साइड पे रोका हुआ है, बस अभी थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे, 10 मिनट का फिर से ब्रेक है। ट्रैफिक था, बहुत ही ट्रैफिक, कम से कम हम 3 घंटे फंस गए ट्रैफिक में, 25 किलोमीटर में 3 घंटा हो गया, इतना ट्रैफिक था। काजीगंज पहुंच गए और यहाँ पहुंच गए, डिनर विनर कर लिया, इसके बाद हम निकलेंगे डायरेक्ट घर के लिए, तो सोनामार्ग के लिए, तो सोनामार्ग से सुबह 6 बजे से छोड़ेंगे, तो वहाँ डायरेक्ट के लिए निकलेंगे, तो यहाँ पे और बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, सीधा सोनामार्ग के लिए, यहाँ से काजीगंज से सीधा सोनामार्ग। श्रीनगर पहुँच गए, तो 10 मिनट के फिर से ब्रेक लिया है, तो अभी रात हो गई, जब थोड़ा ज़्यादा नींद आ रहा है तो दो चलाएगा फिर हम, बिल्कुल हम अभी 40 की स्पीड या 50 की स्पीड में चल रहे, तो सुबह अभी हमें 2-3 बजे तक पहुंचना है, तो अभी बहुत टाइम है, तो हम बहुत स्लो चला रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम सोनामार्ग पहुंच चुके हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं, इधर बर्फ ही बर्फ है, ट्रैफिक है यहाँ पे, तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी छोड़ने का। तो आप लोगों को मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ, ये देखिए, बहुत लंबा ट्रैफिक है यहाँ पे। कुछ लोग जो हमसे आगे जो है वो रात को
रात को इधर आके ही रुके थे, रात को ही रुके थे इधर। तो उनको ना बेचारों को खाना मिला, ना कुछ मिला, ना चाय मिला। वो लोग खाना खाने के लिए फिर पीछे गए, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे बेचारे चल के गए। अगर गाड़ी लेके जाते तो पीछे रह जाते, तो उनका उनको आगे रहना था। इसीलिए हमने भी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच तो हम द्रास में ही करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बहुत स्लो चल रहे हैं यहाँ पे, रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी हम जोजिला पहुँच गए, जोजिला के टॉप से थोड़ा नीचे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो गया, रुके हुए हैं यहाँ पे। उस दिन ये इसी जगह पे स्लाइड आया था, तो यहाँ पे थोड़ा ख़तरा है, तो इनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। आधे गाड़ी तो पार भी कर दिए, अब देखिए। और हम इधर हैं अभी, हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियाँ हैं अभी। तो गाइस अभी हम जोजिला के टॉप पे पहुँच गए, देखिए गाड़ियाँ उधर से जा। कुछ ऐसा दिखता है जोजिला, ये है जोजिला का जो सबसे अच्छा मुझे लगता है जगह। दोनों साइड से बर्फ, बीच में रास्ता। मुझे यही जगह बहुत अच्छा लगता है जोजिला में, सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगता है। जोजिला में तो गाड़ी भी कम ही खींचता है, बहुत कम खींच रहा है गाड़ी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, इसीलिए शायद।